गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। हमने इससे पहले जो पठार वाला चैप्टर था, दक्षिण का पठार, वो पढ़ा था। हम क्या कर रहे हैं, हम भारत के विभिन्न हिस्सों के बारे में पढ़ रहे हैं एक एक पार्ट में। सबसे पहले हमने भारत का जो उत्तरी हिस्सा था, उत्तर में हिमालय, वो पढ़ा। फिर हमने पश्चिम में रेगिस्तान की बात की। उसके अगले चैप्टर में हमने जो मैदान है, उत्तर का मैदान, उसके बारे में पढ़ा। चौथा जो चैप्टर था वो हमने पठार की बात की, दक्षिण के पठार की। और अब भारत का जो है आखिरी जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आखिरी जो हिस्सा है समुद्र तटीय मैदान, पाठ का नाम है समुद्र तटीय मैदान। भारत का हमने इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत का जो ये दक्षिणी हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा है, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर तो है आपके अरब सागर, तो ये पूरा हिस्सा पानी से कवर है। इधर है आपके बंगाल की खाड़ी, पूर्व में है आपके बंगाल की खाड़ी। और आपके नीचे दक्षिण में कौन सा क्या है, हिंद महासागर। तो तीन तरफ से जल है इसकी। इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है। तो तीन तरफ क्या है इसके, पानी है। तीनों तरफ पानी, समुद्र है। और उसके पास का जो ये वाला इलाका है, ये क्या है, समुद्र तट है। तो किस इलाके के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे समुद्र तटीय मैदानों के बारे में। ये वाला जो मैंने आपको ये डिजाइन करके बताया, इसके बारे में, समुद्र तटीय मैदानों के बारे में इस चैप्टर में आप शुरू करेंगे। शुरू करते हैं, पेज नंबर 37 पे देखिए। भारत का दक्षिणी भाग, ये वाला भाग, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र के तीन ओर से घिरा होने के कारण इसको प्रायद्वीप भी कहते हैं। जो भी धरती या जमीन का वह टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रायद्वीप। तो हमारा भारत जो है प्रायद्वीप है। क्यों, क्योंकि इसके तीन तरफ से पानी है, समुद्र का पानी है। समुद्र के तट और दक्षिण के पठार के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। ये समुद्र है, समुद्र, और ये पठार है आपका दक्षिण का पठार। तो पठार और समुद्र के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इसे क्या कहते हैं, समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। भारत का समुद्र तटीय मैदान बहुत बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर खत्म हो रहा है, बहुत बड़ा है। इस तट की लंबाई 6,000 किलोमीटर है। इसको पूरा नापा गया है, नापा जाए तो इसकी जो लंबाई है वो 6,000 किलोमीटर है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा गया ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। इधर कौन सा है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, और ये आपका पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। दो हिस्से कर दिए गए इसके ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम पढ़ेंगे आपके पूर्वी तटीय मैदान के बारे में, इधर की तरफ के बारे में, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं आज। यह उत्तर में गंगा के डेल्टा से, यहाँ पे गंगा नदी यहाँ से बहती है, बंगाली घाटी मिलती है गंगा नदी, तो यहाँ से ये स्टार्ट है गंगा नदी के डेल्टा से लेकर के और यहाँ तक। इस जगह का नाम है कन्याकुमारी। गंगा के डेल्टा से लेके ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिम समुद्र तटीय की अपेक्षा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान ज़्यादा चौड़ा है। इसकी बात करें तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ये कम सकड़ा दिख रहा है ना आपको। तो जो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है ये कैसा है, ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ की भूमि भी उपजाऊ है, जमीन जो है यहाँ पर बहुत उपजाऊ है। चावल यहाँ पे मुख्य फसल है, मतलब चावल ज़्यादा उगाया जाता है। यहाँ की भूमि फसलों और वन वर्षा के से हमेशा हरी भरी रहती है। यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर खूब फसलें, पेड़, खेती खूब होती है, और जो जंगल है वो भी हरे भरे रहते हैं बारिशों के कारण। यहाँ खूब वर्षा होती है, बारिश खूब होती है। कोलकाता यहाँ पर है, विशाखापट्टनम यहाँ पे है, चेन्नई ये है, ये प्रमुख बंदरगाह हैं। बंदरगाह क्या होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आते हैं और जाते हैं। जैसे स्टेशन होता है ना बस स्टैंड, जहाँ पे बस रुकती है और आगे जाती है, सेम ऐसे ही जहाँ पे बड़े बड़े जहाज रुकते हैं और सामान लेके दूसरी जगह जाते हैं, आते जाते हैं, स्टेशन जो है उसको कहते हैं बंदरगाह। तो ये बंदरगाह है तीन यहाँ के, कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई। चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच का तट कोरोमंडल कहलाता है, और ये आपका चेन्नई है और ये आपका कन्याकुमारी है। इसका बीच का जो ये वाला जो है एरिया, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। इस तट में खूब मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, यहाँ पे मछलियाँ बहुत पकड़ी जाती हैं। तो यह
पूर्वी तट, पश्चिमी तटीय मैदान की बात आज हम नहीं करेंगे, इतना ही हम पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे आज 8-10 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पूर्वी तट